पूर्व दिल्ली नगर निगम का लोगों के लिए सुनहरा अवसर, 25 दिसंबर तक हाउस टैक्स में भारी छूट। मेयर ने कहा, इस रिबेट स्कीम का लोग उठाएं फायदा। मंडोली जेल में एक कैदी ने की दूसरी कैदी की हत्या, नुकली टाइल गोद कर की गई हत्या। देश की सबसे सुरक्षित मानी जाती है मंडोली जेल। खजूरी खास इलाके में बस में लगी आग, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। खेड़ा गांव में पाइपलाइन ना डालने पर भूख हड़ताल पर बैठे लोग, कहा बहुत बार दिया जा चुका है आश्वासन, पानी की होती है कमी। और शादरा में ट्रांसपोर्ट यूनियन ने किया चक्का जाम, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, टोल टैक्स को खत्म करने की कर रहे हैं मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पूर्वी दिल्ली की आवाम को एक नई सौगात दी है, जिसमें लोगों को हाउस टैक्स भरने में छूट दी जा रही है। इस योजना के लिए 25 नवंबर 2019 से लेकर 25 दिसंबर 2019 तक का समय दिया गया है, जिसमें लोग अपने घर का हाउस टैक्स बिना ब्याज और जुर्माने के साथ डॉक्यूमेंट्स देकर जमा करा सकते हैं। निगम नेताओं का कहना है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन जो लोग 25 दिसंबर के बाद हाउस टैक्स को भरेंगे उनसे पेनल्टी लगेगी। इसलिए लोग इस रिबेट का फायदा उठाएं और हाउस टैक्स को जमा कराएं। ये जो रिबेट दिलाई गई है 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक, ये हमने अपने नेता सदन जी और भाई स्टैंडिंग कमेटी संदीप कपूर जी और सभी साथी निगम पार्षदों के सहयोग से बहुत ही प्रयास करके और बहुत ही मुश्किलों के साथ इसमें रिबेट दिलाई है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपना हाउस टैक्स जमा कराएं और इस लाभ का फ़ायदा उठाएं, ताकि हम सब आपको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। अनऑथराइज कॉलोनियों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन है, बाकी सारी जो संपत्तियां हैं, चाहे वो औद्योगिक हों, व्यावसायिक हों, रिहायशी हों, अन्य किसी भी प्रकार की, चाहे LSC लोकल शॉपिंग सेंटर हो, चाहे कोई भी हो, उन सब पर हम लोग कोई भी किसी प्रकार का पेनल्टी और ब्याज, वेवर ऑफ 100% पेनल्टी एंड वेवर ऑफ 100% इंटरेस्ट इसके अंदर है। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने नई प्रॉपर्टी खरीदी है, या जो अवैध कॉलोनी जो अभी हम पक्की करने जा रहे हैं, इन कॉलोनी में बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक हमारे प्रॉपर्टी टैक्स के नेट में नहीं थे, जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे थे, और जब टैक्स वसूलने की बात होती है तो बहुत सारी पेनल्टी और इंटरेस्ट पड़ता है। तो ये ऐसा लग रहा था कि ये कोई रोकने वाली चीज़ है जो नेगेटिविटी दे रही थी। तो अभी हम इस स्कीम के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी टैक्स किसी का भी पिछले कितने भी साल का ड्यू है जो उन्होंने देना, बिना इंटरेस्ट और पेनल्टी के वो ये टैक्स दे सकते हैं। इसकी डेट 25 दिसंबर तक है, 25 दिसंबर तक ये स्कीम खुली है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो इसमें अपना प्रॉपर्टी टैक्स आप जमा करवाएं। देश में सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली मंडोली जेल में हत्या का मामला सामने आया है। गत बुधवार एक कैदी ने दूसरे कैदी की नुकीली टाइल से गोद कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान राजीव खन्ना, जिसकी उम्र 45 साल के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में विनोद कुमार, जिसकी उम्र 28 साल है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। जेल सूत्रों की माने तो विनोद कुमार मानसिक रूप से कमजोर है। इस घटना के बाद से जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस के अनुसार वारदात जेल के बैरक नंबर 13 में हुई। बैरक में राजीव खन्ना और विनोद कुमार बंद थे। राजीव को चेक बाउंस के केस में एक महीने पहले की सजा हुई थी। उत्तरी पूर्व दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सोमवार को खड़ी हुई एक बस में आग लग गई। अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घटना के समय बस में कोई नहीं था। अधिकारी ने बताया कि उन्हें 1:40 पर बस में आग लगने की जानकारी मिली और तुरंत दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर जा गईं, लेकिन अभी तक आग की वजह का कोई पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। टायरों में आग लगी थी पहले। अच्छा, किसके टायरों में?
पहले तो लग रहा कूड़े में किसी में लगा दिया। अच्छा, हम लोग इधर से निकल के जा रहे थे, देखा धुआं लगा, फिर और फोन कर दिया। अब देखो मालिक ही नहीं आया, डली बस ही चलेगी, बचा क्या उसके अंदर, खत्म बस। ये बस खड़ी थी यहाँ पर, उसमें आग लगी है। आधे घंटे तक कॉल लोग बात करते रहे, लंच का टाइम था, इस मारे अभी पहुंची है। पूर्वी दिल्ली के खेड़ा गांव में स्थानीय लोगों ने इलाके में पानी की पाइपलाइन नहीं डाले जाने के विरोध में दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। लोगों का कहना है, कई महीने पहले पानी की पाइपलाइन डालने की मांग की गई थी, मगर आज तक नलकों से पानी नहीं आया है, जिस वजह से यहाँ जल बोर्ड का टैंकर पानी सप्लाई करता है, मगर वो भी हफ्ते में एक दो बार आता ही नहीं है। लोगों का आरोप है कि यहाँ 800 से 900 के आसपास परिवार रहते हैं, तो क्या या दो टैंकर पानी से क्या होगा? जी हाँ, मतलब एक या दो टैंकर पानी से क्या होगा जब इतनी आबादी यहाँ पर है। वहीं लोगों का कहना है कि वो कई बार लिखित में शिकायत कर चुके हैं, पर समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। हमारी कॉलोनी में आज इतने साल हो गए, 4 साल हो गए गौतम जी को जीते हुए, इतने दिन से हम लोग एप्लीकेशन लगाए जा रहे हैं, इतने धरने रख लिए, इतने एप्लीकेशन लगा लिए, इतने बार जल बोर्ड जा चुके सारे मिलके, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं हमारे यहाँ। हमारी इतने परेशान है, हम बच्चों को स्कूल भेजने जाते हैं, पहले टैंकर का इंतजार करते हैं। हमें जल बोर्ड से मीठा पानी नहीं मिला है, ना ही हमारी कोई लाइन डली है। हम 2017 से रेगुलर अपने माननीय विधायक, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी और जल बोर्ड को लगातार लेटर लिखित में हम अपने RWA के माध्यम से भी जाके देख आए हैं, आश्वासन के सिवा आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने आश्वासन दिया था कि दो ये काम हो जाएगा, मगर ये उसको बीते हुए 3 महीने हो गए, अभी तक आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, अभी तक कोई हमारे यहाँ पानी की लाइन नहीं डली है। बीच में भी पानी कितना गंदा आया, बच्चे काफी बीमार हो गए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने निर्णय ले लिया है कि जब तक हम धरने से नहीं उठेंगे तब तक हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा, जब तक दिल्ली सरकार या यहाँ के विधायक, जब तक हमारी दिल्ली जल बोर्ड हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता। ये भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे लिए ये पक्का लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाएगा कि हम आपके यहाँ पानी की पाइपलाइन, मीठे पानी की पाइपलाइन नहीं डाल देंगे। तब तक राजेंद्र पाल गौतम जी से हमारी अभी 2.5-3 महीने पहले एक हमने बहुत जबरदस्त मीटिंग कराई थी, उसमें हमें आश्वासन देके गए थे और मीडिया भी आई हुई थी, उनके सामने कह के गए थे कि हम 1-1.5 महीने के अंदर पानी की पाइपलाइन आपकी डलवा देंगे। उसके बाद में भी हम उनसे मिले, मगर हमारे लिए आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने 25 नवंबर से देश में ट्रकों का चक्का जाम करने का ऐलान किया था। इसी के तहत पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में ट्रक ऑपरेटरों ने चक्का जाम किया। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दर कम करने, डीजल की दरों में कमी और टोल टैक्स को खत्म करने समेत अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजल के बढ़ते दाम और टोल टैक्स की वजह से ट्रांसपोर्ट कारोबार घाटे का सौदा हो रहा है। डीजल पर सेस के बाद भी सरकार ने टोल लगा दिया है, ट्रक ऑपरेटर डीजल पर सेस भी दे रहे हैं और टोल भी। कायदे से टोल लगाने के बाद सेस हटाया जाना चाहिए था। हड़ताल की गई है जी, हम इतने अमीर आदमी नहीं है गाड़ी वाले, हम गरीब आदमियों में आते हैं और इस गवर्नमेंट ने क्या करा है, हमारे गरीबों की रोटी रोटी छीन लिया, लाख लाख रुपए के चलान, 50-50 हजार रुपए के चलान, हम कहाँ से भुगते। के जो नजायज हमारे चलान किए जाते हैं वो ना किए जाएं, हमें कुल 6 घंटे टाइम मिलता है नो एंट्री में चलने का, उसमें हमारा कुछ गाड़ियाँ कुछ काम नहीं कर पाती, अगर 5-10 मिनट लेट हो जाती गाड़ी तो हमारा 40-40 हजार रुपये का चलान कर दिया जाता है। बिल्कुल बंद है जी काम, सारे भारत के साथ हैं, सारे ट्रांसपोर्ट के साथ हैं, हम काम हम बंद कोई नहीं, जब हमारे 1-1 लाख रुपए के 50-50 चलान होंगे तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर। छोटे बच्चे हैं, 1 लाख रुपए का चालान हुआ कहाँ से लाएं, किराए के मकान में रहते हैं, आज सादरे में की जा रही, क्या पूरे भारत में की जा रही है, सब सबका सहयोग है ट्रांसपोर्ट होगा। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर ने कूड़ा उठाने का काम प्राइवेट कंपनी को सौंपे जाने पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ईस्ट एमसीडी घरों, गलियों और सड़कों से कूड़ा उठाने से लेकर उसे तय जगह पर पहुंचाने का काम प्राइवेट कंपनी को सौंपने जारी है, इसके लिए लगभग सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए 2016 में कूड़े के निस्तारण का एक एक्ट मोदी सरकार लेकर आई थी, जिसमें कि कूड़ा जो है घरों से पृथक करना, अलग करना और कूड़े का निस्तारण जो है वो साइंटिफिक तरीके से हो, जिससे गाजीपुर जैसे प्लांट ना बने। और पिछले 2 साल से इस पे विचार मंथन चल रहा है, इसमें टेंडर भी बहुत पुराना इसमें था, तो हमारा काम तो ये है कि जो भी काम अच्छे जनता की भलाई के लिए, उन सभी कामों को जितना तेज़ी से आगे बढ़ाएं। तो आने वाले समय में कूड़ा
जलाओ घरों में ना गिरे, सीधा जहाँ घरों से नालियों से और सड़कों की सफाई से जो कूड़ा उठता है वो सीधा मशीनों के द्वारा, ट्रकों के द्वारा सीधा जहाँ पहुँचाया जाना है, चाहे वो सेग्रीगेट करके प्लांट्स के अंदर जाए या फिलहाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पे जाए, वो सीधा वहाँ पहुँचे। दूसरा, कूड़े की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ओपन में नहीं हो, जैसे आज की डेट में ओपन ट्रक्स में, ओपन टिप्पर में होता है, ओपन रिक्शा में होता है, तो कूड़ा जो है वो कवर्ड ट्रकों में, कवर्ड टिप्पर्स में, कवर्ड रिक्शाओं में उठाया जाए और वैसे ही वो ट्रांसपोर्ट हुआ जाए, जिससे कि आसपास जो हमें गंदगी दिखती है, गंदगी कम दिखे। पूर्वी दिल्ली की जनता ने दिल्ली में शादियों और दूसरे आयोजनों के लिए डीडीए द्वारा अलग अलग इलाकों में 100 पंडाल बनाए जाने के फैसले की सराहना की है। लोगों का कहना है कि ऐसा होगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा, पंडाल वाले मनमाने पैसे वसूलते हैं, अगर सरकारी रेट पर हमें पंडाल उपलब्ध करा दिए जाएंगे तो हमारे पैसे की भी बचत होगी। तो ये अच्छा है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इस तरीके का होता है क्योंकि लोग जो है गलत काम से बचेंगे, चोर बाजारी से बचेंगे थोड़ा सा, और ये जनता के लिए हित में ही है, ये काम होना चाहिए इस तरह से। लेकिन आगे सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें भी घूसखोरी, चोर बाजारी वाली बात ना हो। सर, बेनिफिट मिलेगा वो इसलिए मिलेगा कि अब जो पंडाल लगेंगे वो गवर्नमेंट के होंगे, पहले ये था कि ये टेंट किसी और का था और वो लोग मुँह मांगा वसूलते थे, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी, ये बहुत बेनिफिट होगा हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी, आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल सही कदम, क्योंकि लोग जो बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, लोगों को अब कम में काम हो जाए करेगा और लोग उस पैसों को बचा के अपनी लड़के या लड़कों की शादी में इन्वेस्ट कर पाएंगे और वो ज़्यादा खुशी से अपने बच्चों की शादी कर पाएंगे। मेरे अनुसार डी डी ए की तरफ से बहुत ही अच्छा पहल है, डी डी ए ने एक पब्लिक की तरफ, भलाई की तरफ एक कदम बढ़ाया। अभी तक जो माफियाओं का नकेल होता था जिसके कारण वो पूरे के पूरे एरिया के ऊपर कब्जा करके अपने पंडाल लगाकर मुंह मांगी कीमत वसूला करते थे, उस पर अब काफ़ी तरह से अंकुश लग जाएगा और डी डी ए ने ये पब्लिक के हित में कदम उठाते हुए मैं इसका बहुत ज़्यादा समर्थन करता हूँ और मैं मानता हूँ कि अब आम जनमानस के लिए भी डी डी ए के पंडालों में जाकर शादी करना बहुत इफेक्टिव और अच्छा कदम होगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में बाल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निगम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में निगम के तमाम नेता मौजूद रहे। शिक्षा समिति के चेयरमैन राजकुमार बल्लन ने कहा कि इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए बच्चों और टीचरों ने बहुत मेहनत की है। बच्चों को कार्यक्रम के लिए फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि ईडीएमसी निगम स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी, डेस्कों की संख्या में इजाफा होगा। जिस पर हमने स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग के बारे में पूछा तो चेयरमैन सफाई देते हुए भी नजर आए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो निगम के स्कूल हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है। इतनी योजनाएं हम लेकर आए हुए हैं, जैसे कि अभी हमने साइंस मोबाइल लैब का एक उद्घाटन किया है, जिसमें कि बच्चों को उनके सिलेबस से रिलेटेड उनको पढ़ा करके ही नहीं, उनको प्रैक्टिकल, उनको एक्टिविटी करा के और इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और एक और जो हमने एक नई योजना लेकर आए हैं, इसमें कि हमने अपने स्कूल्स, कुछ स्कूल्स में एक फ्रेंच लैंग्वेज का भी शुरुआत की है और धीरे धीरे ईडीएमसी के सभी स्कूलों में हम इस लैंग्वेज को ला रहे हैं। तीनों चीज़ों पर, एक स्कूलों में आया का अपॉइंटमेंट होना और गार्ड रूम का होना, सफाई कर्मचारियों का, ये तीन चैलेंज अभी हैं। इनमें से जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, अभी जो आया के नियुक्ति वाला विषय वो कमीशन से अप्रूव हो गया है, गार्ड रूम को और स्वच्छता कर्मियों को लेकर अभी कमिश्नर से वो अप्रूव होना है, उसके कुछ फाइनेंशियल इशू हैं, उनको इसी हफ्ते दूर कर लिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा और वाटर कूलर आरओ सभी स्कूलों में, जो मॉर्निंग शिफ्ट है और जनरल शिफ्ट है, उनमें इंग्लिश मीडियम की क्लास, नर्सरी कक्षाओं की शुरुआत और सबसे बड़ी उपलब्धि थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बच्चों की संख्या का बढ़ना और नर्सरी में कई विद्यालयों में सेक्शंस बढ़ाने पड़े, ये दो ऐसे सकारात्मक पहलू हैं जो पूरी दिल्ली निगम के बदलाव की, शिक्षा विभाग के बदलाव की तरफ आपको इशारा करते हैं। भले ही पतंग उड़ाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर प्रशासन सख्त हो, लेकिन पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में एक कबूतर चाइनीज मांझे में फंस गया, जिसका फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है। डीसीपी ऑफिस के क्वार्टर में रहने वाले अरुण नाम के शख्स ने जब कबूतर को देखा तो उन्होंने फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कबूतर को मांझे से बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की टीम ने कबूतर का रेस्क्यू करके कबूतर को अरुण नाम के शख्स के हाथ सौंप दिया है। मिस्टर अरुण कुमार हैं, इन्होंने कॉल किया था 101 नंबर पर।
भाई यहाँ पर एक पेड़ में पक्षी फंस रहा, कबूतर है। हम लोगों को कॉल मिला, हम तुरंत आए, आके देखा, फिर दो तीन ये लोग शामिल हो गए, हमारी टीम थी, धागे में फंसा हुआ था, ये जो पतंग का धागा नहीं होता, चाइनीज मांझा उसमें। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।